हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर। टीजी या टीजीजी का क्या मतलब होता है? आम जबान में आप कह सकते हैं एक ऐसा तरीका का जिसके थ्रू हम किसी भी लैंग्वेज, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज या उर्दू लैंग्वेज, उसमें सेंटेंस को क्रिएट करते हैं। लेकिन जो सेंटेंस क्रिएट किए जाते हैं, ज़रूरी है कि वो वेल फॉर्म्ड हो, उन्हें उसमें जितनी भी ग्रामर का इस्तेमाल किया है वो करेक्ट ग्रामर हो। और इसी तरीके से उसको सेंटेंस को बनाते वक्त सिंटैक्टिक कैटेगरीज, लेक्सिकल कैटेगरीज का ख्याल रखते हुए उसे डेवलप किया जाए, ठीक है, विच आर इन द माइंड और ब्रेन ऑफ द नेटिव स्पीकर। क्योंकि चाहे वो इंग्लिश स्पीकर है या उर्दू स्पीकर, नेटिव स्पीकर है, उस जबान के बोलने वालों के रूल्स एंड रेगुलेशंस को मद्देनज़र रखते हुए, उसकी ग्रामर को मद्देनज़र रखते हुए करेक्ट सेंटेंसेस डेवलप करना, उसको टीजी या टीजीजी कहते हैं। एक ऐसी डिवाइस जो कि जनरेट कर रही होती है सेंटेंस। अब एक और भी इसकी डेफिनेशन हो सकती है कि कोई भी सेंटेंस है, आप उस सेंटेंस को सामने रखते हुए, आपको ग्रामेटिकल रूल्स आते हैं, प्रिंसिपल्स जैसे सेमेंटिक रूल्स हैं आपको पता है, इसी तरह सिंटैक्टिक कैटेगरीज के बारे में भी आपको आइडिया है, इसे सब्जेक्ट की क्या पोजीशन, ऑब्जेक्ट की, वर्ब की इंग्लिश में, तो उस सेंटेंस को मद्देनज़र रखते हुए आप उस सेंटेंस से मज़ीद नए सेंटेंस बना सकते हैं। सो बेसिकली इट इज़ डिफाइंड एज अ ऑपरेशन इन विच न्यू सेंटेंसेज आर प्रोड्यूस फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सेंटेंसेज। अगर हम नोम चोम्स्की, जो बहुत बड़ा लिंग्विस्ट है, फादर ऑफ लिंग्विस्ट है, वो कहता है कि जो ग्रामर होती है उसके जो रूल्स होते हैं रिकर्सिव रूल होते हैं, ऐसे रूल्स होते हैं जो हमें ये अपॉर्चुनिटी देते हैं, या आप कह सकते हैं आपके नित ने आपके तरीकाकार बताते हैं आपको कि किस तरीके से आप ग्रामर का इस्तेमाल करते हुए जो है करेक्ट सेंटेंसेस को अगेन एंड अगेन डेवलप करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक सेंटेंस है आपके पास, कैट इज़ सिटिंग ऑन द टेबल, एक है। अब मैं इसमें मज़ीद जो है प्रपोजिशन का इस्तेमाल करके सेंटेंस को थोड़ा सा जो है डिफरेंट बनाने की कोशिश करूँगी। द कैट इज़ सिटिंग ऑन द टेबल बिहाइंड द वॉल। अब इस तरीके से हम एक नया सेंटेंस डिवेलप कर रहे हैं एग्जिस्टिंग सेंटेंस के साथ कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हुए। सो नोम चोम्स्की कहता है, ग्रामर हैज़ रिकर्सिव रूल्स अलाउ अस टू जनरेट अ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेज ओवर एंड ओवर। इसे हम अगेन एंड अगेन नए सेंटेंसेस का जो है एक नई से नई जो है सेंस क्रिएट करते हुए सेंटेंसेस को डेवलप करते हैं। अब हमारे ब्रेन के अंदर एक क्वालिटी है, एक ऐसा मैकेनिज़म है जो कि आपको हेल्प आउट कर रहा होता है कि आपने चाहे इंग्लिश बोल रहे हैं, आप चाहे उर्दू बोल रहे हैं, तो आपके जहन में एक मैकेनिज़म चल रहा होता है कि लैंग्वेज प्रिंसिपल्स, लैंग्वेज प्रिंसिपल क्या है, चाहे इंग्लिश लैंग्वेज है, उर्दू लैंग्वेज है, और ग्रामर के क्या प्रिंसिपल्स हैं। ये सारे, जैसे आप इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिख रहे हैं तो आप प्रेजेंट डेफिनेट का सेंटेंस लिखते हैं, तो ही सिट्स ऑन द टेबल, ठीक है, और इस तरह ये सेंटेंस बनाते हुए आप प्रेजेंट डेफिनेट को इस्तेमाल करते हैं। हमें पता है प्रेजेंट डेफिनेट में कैसे इस्तेमाल किया जाता है, वर्ब का कैसे इस्तेमाल होता है, और इसी तरीके से प्रोनाउंस जो है उसके साथ किस किस्म के वर्ब्स लगाए जाते हैं। सो ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो कि जब आप ब्रेन को इस्तेमाल करते हैं तो ब्रेन एज अ मैकेनिज्म के तौर पर वर्क करते हुए क्रिएट करता है उस लैंग्वेज के अंदर नए सेंटेंसेस। इसी तरह ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस के बारे में वो कहता है कि ट्रांसफॉर्मेशनल जो प्रोसेस होता है बेसिकली प्रोसेस ऑफ सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर होता है। एक जो ट्रांसफॉर्मेशन जो ग्रामर का जो प्रोसेस है वो एक सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर जो है डेवलप करता है अकॉर्डिंग टू नोम चोम्स्की। ट्रांसफॉर्मेशनल कैन बी बेस्ट समराइज बाय एडिंग, वो कहते हैं कि जब आप ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहे होते हैं, कोई भी सेंटेंस आपके पास आए हैं, तो आप किसी भी लॉन्ग सेंटेंस को शॉर्ट कर सकते हैं, उसे डिलीट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, और उसको शॉर्ट करके कॉपीइंग ऑफ वर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसमें कई तरह के चेंजेस लाकर नए सेंटेंसेस डेवलप कर सकते हैं और समराइज कर सकते हैं, और दीज चेंजेस टेक्स प्लेस थ्रू द स्पेसिफिक रूल। लेकिन ज़रूरी है कि आप सेंटेंस के अंदर जो एडिटिंग कर रहे हैं, डिलीटिंग कर रहे हैं, मूविंग कर रहे हैं, कॉपीइंग ऑफ वर्ड्स कर रहे हैं, वो एक प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक किया जाए। जब ये अब इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे तो इसको ट्रांसफॉर्मेशनल जो है प्रोसेस कहा जाता है, और ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस ऑफ सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर कहलाता है। अब यहाँ पे एक उसने एक एग्जांपल दिया है। अब मेरे जहन में
जो एक प्रॉपर जो चीज़ मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था, किसी तरह एक सेंटेंस होता है उसमें सिंटैक्टिक कैटेगरीज होती हैं और लेक्सिकल कैटेगरीज होती हैं। फॉर एग्जांपल विकी लाफ्ट है, तो विकी जो है एक नाउन फ्रेज है, इसी तरह जो लाफ्ट है जो वर्ब फ्रेज है। सो किसी भी सेंटेंस को जो है हम डिवाइड कर देते हैं जो कि ऑन द बेसिस ऑफ सिंटैक्टिक कैटेगरी होता है। इसी तरीके से वो कहता है कि हाँ और एग्जांपल दिए किस तरह हम चेंजेस ला सकते हैं सेंटेंसेस के अंदर और उसे लॉन्ग कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, उसमें चेंजेस उसके सेंस में। यहाँ पे कहते हैं द वुमेन लाफ्ट, द वुमेन लाफ्ट है, तो पहला जो है नाउन फ्रेज है, दूसरा जो है वर्ब फ्रेज है। इस्तेमाल कर रहे हैं विकी हु लीव्स नियर मी, ठीक है। अब ये दो सेंटेंसेस है, विकी हु लीव्स नियर मी लाफ्ट और हु लीव्स नियर मी, ठीक है। यहाँ हमने शॉर्ट कर दिया और यहाँ हम उसमें एडिटिंग करके उसमें चेंज ला रहे हैं। तो ये बताना चाह रहा है कि किस तरह हम सिंटैक्टिक कैटेगरीज का इस्तेमाल करते हैं। ये उसी वक्त पॉसिबल है जब आपको उसके रूल्स एंड रेगुलेशन प्रिंसिपल पता हो उस लैंग्वेज के, तभी आप ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस को फॉलो करते हुए नए सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे एडिट करके, उसे डिलीट करके, उसमें कॉपिंग ऑफ वर्ड्स का इस्तेमाल करके। इसी तरह एक बताता है कि किस तरीके से एक सेंटेंस को एक्सपेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कि विकी हु लीव्स नियर मी लाफ्ट लाउडली, यहाँ एडवर्ब जो है लाउडली का इस्तेमाल करके उसने क्या किया, सेंटेंस को एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। इस तरह हम मुख्तलिफ कंजंक्शंस का इस्तेमाल, एडवर्ब्स का इस्तेमाल करके इसको जो है प्रोलोंग कर लेते हैं। अब जनरेटिव ग्रामर होती है, एक ऐसा एक्सप्लिसिट सिस्टम होता है, एक्सप्लिसिट सिस्टम जो होता है दैट द कम्बिनेशन ऑफ द सम बेसिक एलिमेंट। जिस तरह आप देखें कोई भी चीज़ आप बना रहे होते हैं, ठीक है, आप कुकिंग कर रहे हैं, आप फॉर एग्जांपल निहारी बना रहे हैं, तो उसके कुछ बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, मीट होता है उसमें, आटा होता है उसमें, स्पाइस होते हैं, तो ये सारे के सारे जो होते हैं कम्बिनेशंस ऑफ बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जो एक निहारी को डेवलप कर रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी एक ऐसा सिस्टम है जनरेटिव ग्रामर जनरेट करने का, ठीक है, सेंटेंसेस को, कि जिसके अंदर रूल्स को मद्देनज़र रखते हुए आप जो है सेंटेंसेस बनाते हैं। दिस एक्सप्लिसिट सिस्टम ऑफ रूल रिजेंबल द टाइप ऑफ रूल्स फाउंड इन मैथमेटिक्स। जिस तरह हम जो है अलजबरे के अंदर एक ख़ास तरीकाकार होता है, एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू टू एक्स है, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी इंग्लिश के अंदर भी जब हम जनरेटिव ग्रामर जो TG या TGG का बना रहे होते हैं, इसमें हम सेंटेंसेस को रूल्स एंड रेगुलेशन प्रिंसिपल्स ग्रामर और सिंटैक्टिक कैटेगरीज का ख्याल रखते हुए डेवलप करते हैं। अब वो कहता है कि हमेशा एक बात याद रखें कि जब हम इसको डेवलप कर रहे होते हैं, सम टाइम ऐसा भी होता है कि सम सेंटेंसेस होते हैं जो सुपरफिशियली डिस्टिंग नज़र आते, एक दूसरे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन बाद में हम जब इसको गो थ्रू करते हैं, इसे कैटेगरीज एंड टैक्टिक कैटेगरीज में डिवाइड करें, तो हमें पता लगता है ये बहुत क्लोजली रिलेटेड है कोई भी दो सेंटेंस। इसी तरह समटाइम सुपरफिशियली सिमिलर लगने वाले जो सेंटेंसेज होते हैं वो डिफ़र भी कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल कोट की है, वो मैं दिखाना चाह रही हूँ। अली इज़ अनॉक्शियस टू हेल्प, अब एक ऐसा सेंटेंस है जो आपको जो है समझ आ रहा है नॉक्शियस टू हेल्प, कि वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट है किसी की मदद करने के लिए। लेकिन दूसरा सेंटेंस है अली इज़ डिफ़िकल्ट टू हेल्प, जो अली है डिफ़िकल्ट टू हेल्प जो है उसका जो मीनिंग है वो डिफ़र कर रहा है फर्स्ट सेंटेंस से, जो कि ये बता रहा है कि अली के ऐसे टेम्परमेंट है कि लोग उसकी मदद कर सकें। इसी तरह यस्टरडे इट रेन यस्टरडे, ये भी डिफ़र कर रहे होते हैं। तो बेसिकली बताने का मकसद ये है कि कोई भी जो होता है सेंटेंस होता है उसके अंदर आपने वेल सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर को डेवलप करना होता है, और अगर वो आप उसकी ग्रामर को, उसके जनरेटिव रूल्स को जो है प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करते, तो वो इल फॉर्म जो है स्ट्रक्चर डिवेलप होता है, क्योंकि जो ग्रामर होते हैं वो फिनिट नंबर ऑफ रूल्स होते हैं, विल हैव फिनिट नंबर ऑफ रूल्स बट विल कैपेबल जनरेटिंग द इनफिनिट नंबर ऑफ वेल फॉर्म्ड स्ट्रक्चर। वो कहते हैं ग्रामर जो होती है जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है, अब उसके एक ख़ास किस्म के रूल्स होते हैं, वर्ब कहाँ कहाँ किसके साथ लगना है, ठीक है, नाउन का कैसे इस्तेमाल है, प्रोनाउंस का कैसे इस्तेमाल है। लेकिन हम जब जनरेटिव ग्रामर का इस्तेमाल करते हैं तो इनफिनिट नंबर ऑफ हम जो है स्ट्रक्चर्स को डिवेलप कर सकते हैं। सो इट्स अ आप कह सकते हैं रिकर्जन,
प्रॉपर्टी है, इट्स नीड द क्रूशियल प्रॉपर्टी ऑफ रिकर्जन, इट शुड बी एबल टू रिवील द बेसिस ऑफ टू अदर फिनोमेना. एक और इंपॉर्टेंट यहाँ चीज़ बता रहा है कि हमेशा याद रखें, कोई भी सेंटेंस को पढ़ें तो दो उसके अंदर बेसिक चीज़ें होती हैं, एक उसका डीप स्ट्रक्चर होता है, एक सरफेस स्ट्रक्चर होता है. यहाँ पे उसने एक बिल्डिंग की एग्जांपल दी है कि एक बाहर से आपको एक सरफेस स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है और डीप जो है उसकी फाउंडेशंस को रिप्रेजेंट करता है, किस टाइलों से, किस मटेरियल से मिलकर बनी है, सीमेंट से, ईंटों से. सो कोई भी सेंटेंस होता है उसका एक डीप स्ट्रक्चर होता है, एक सरफेस स्ट्रक्चर होता है. वो कहते हैं डीप और सरफेस स्ट्रक्चर को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप देखें कि डीप स्ट्रक्चर है क्या और सरफेस स्ट्रक्चर क्या है. अगर आम जबान में आप इस्तेमाल करें तो जो डीप स्ट्रक्चर होता है बेसिकली आप कह सकते हैं सेमेंटिक कंपोनेंट होता है. सेमेंटिक आपको पता है कि विच डिस्क्राइब देयर मीनिंग, ठीक है, सेमेंटिक जो वर्ड्स के मीनिंग को डिस्क्राइब कर रहा होता है. और जो सरफेस स्ट्रक्चर होता है इसका ताल्लुक फनोलॉजी के साथ होती है, फनेटिक्स के साथ होते हैं कि किस तरीके से उस सेंटेंस को प्रोनाउंस हम कर रहे होते हैं, ठीक है. इन शॉर्ट डीप स्ट्रक्चर डिटरमिन्स द मीनिंग एंड सरफेस स्ट्रक्चर डिटरमिन्स द साउंड, ठीक है. जब हम किसी भी सेंटेंस का एनालिसिस कर रहे होते हैं तो हमने दो चीज़ों को मद्देनजर रखना है, एक डीप स्ट्रक्चर को, एक सरफेस स्ट्रक्चर. और डीप स्ट्रक्चर हमें मीनिंग को अंडरस्टैंड करने में हेल्प आउट कर रहा होता है, सरफेस स्ट्रक्चर जो है इससे हमें साउंड, उसकी फनैलॉजी या फनेटिक्स की अंडरस्टैंडिंग होती है. अब यहाँ पे एग्जांपल दिए किस तरह डीप स्ट्रक्चर जो है नीचे आ रहा है नज़र आपको, लोअर साइड पे डीप स्ट्रक्चर है, अपर साइड पे सरफेस स्ट्रक्चर है, और किस तरीके से उसको सरफेस स्ट्रक्चर का फनोलॉजी से रिप्रेजेंट किया गया और डीप स्ट्रक्चर को सेमेंटिक के साथ. इसी तरह अगर इस मॉडल को हम जहन में रखें तो हमें इम्पॉर्टेंट जो है चीज़ें, तीन चीज़ें जो है याद रखनी होंगी. फर्स्ट ये कि जो भी हम मीनिंग या सेमेंटिक इंटरप्रिटेशन जो हम जो डेवलप कर रहे हैं सेंटेंसेस से, वो हमें डीप स्ट्रक्चर से मिल जाएं, ठीक है. वो कहता है कि कोई भी सेंटेंस लें आप और उसके हमने मीनिंग को देखना है, उसकी सेमेंटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंटेंस को देखना है, तभी हम डीप स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड कर पाएंगे. सेकंड, उसकी प्रोनाउंसिएशन को देखना है, उसके फनेटिक्स को देखना है, और इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंटेंस इज डिटरमिन फ्रॉम इट्स जो है सरफस, और किस तरीके से हम उसकी इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं सरफेस स्ट्रक्चर को मद्देनजर है. ये दोनों चीज़ें हम डीप और सरफेस स्ट्रक्चर को पहले भी, जैसे कि मैं पिछली स्लाइड में बताया कि डीप स्ट्रक्चर का ताल्लुक जो है मीनिंग के साथ है, तभी वो इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंटेंस में हेल्प आउट करेगा, और जो सरफेस स्ट्रक्चर है वो उसका जो ताल्लुक होता है फनेटिक और जो फनेटिक्स है, फनोलॉजी वगैरह उसके साथ उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है. थर्ड वो एक चीज़ और ऐड करता है, वो कहता है द रूल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज सीन एज कन्वर्टिंग द सेमेंटिकली रेलिवेंट लेवल ऑफ लिंग्विस्टिक डिस्क्रिप्शन इनटू द फनेटिकल रेलिवेंट लेवल. कहता है एक इंपॉर्टेंट चीज़ रखें, डीप और सरफेस स्ट्रक्चर के अलावा कि दोनों चीज़ें जब किसी सेंटेंस को डेवलप करें तो उसके अंदर डीप स्ट्रक्चर जो है वो जो कि मीनिंग कन्वर्ट कर रहा है, रेलिवेंट लेवल ऑफ लिंग्विस्टिक जो है डिस्क्राइब करे, डिस्क्रिप्शन इनटू द फनेटिकली रेलिवेंट लेवल. दो डीप और सरफेस स्ट्रक्चर जो रेलिवेंट होने, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको मद्देनजर रखना ज़रूरी है. अब यहाँ पे सिमिलर सरफेस स्ट्रक्चर और डिफरेंट बट डीप स्ट्रक्चर, अब इन दोनों को देखें, दोनों को तो आपको नजर आएगा सरफेस, इसकी जो फनेटिक है अली इज़ अनॉक्शियस टू हेल्प, अली इज़ डिफ़िकल्ट टू हेल्प. अब सिमिलर इसके सरफेस स्ट्रक्चर हैं, फनेटिक इसके प्रोनाउंसिएशंस नॉक्शियस डिफ़िकल्ट मीनिंग्स के हवाले से, लेकिन इसके जो डीप मीनिंग है वो डिफ़र कर रहे हैं. इसी तरीके से आप एक और सेंटेंस देखें, ऑल द अली जो अली के बाद जो सेकंड सेंटेंस है, यस्टरडे इट रेन, तो इट रेन यस्टरडे. तो इन दोनों के जो सरफेस स्ट्रक्चर जो प्रोनाउंसिएशन है फनेटिकली या फोनिक्स के हवाले से अगर देखें तो इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो सरफेस स्ट्रक्चर जो है वो होगा सिमिलर, लेकिन डीप स्ट्रक्चर डिफर करेगा. इसी तरह ट्रांसफॉर्मेशनल रूल्स को हमने डिस्कस करना है नेक्स्ट पार्ट में. थैंक यू वेरी मच.